तेरी कितना कह रहे हैं बताओ तेरे को प्रोफेसर साहब आप शायद जानते नहीं है कि आपके बेटे की बिहेवियर की वजह से मेरे हॉस्पिटल में कितने लोग इफेक्ट हुए हैं। उनके ऊंचा बोलने की वजह से, चीखने की वजह से मेरी कुलीग ऑलमोस्ट फेंट होने वाली थी। ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। खैर आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक मैं आपकी इस मामले में कोई भी मदद कर सकती हूँ। Thank you. Excuse me. Oh, sorry. Assalamu alaikum, Professor Taukeer. Wa alaikum assalam. सुनो, ये प्रोफेसर तौकीर जी क्या कर रहे थे? डॉक्टर मरियम के पास आए थे। मरियम के पास? वाह, क्या वाह, क्या वाह! क्या तुम लोगों को कोई परवाह है भी कि नहीं? आराम से यहाँ पे खड़े होके स्नूकर खेल रहे हैं। अबे रात गई बात गई भाई, चुप हो जाओ और भूल जाओ उस बात को। यार टोनी, शेरी, बिली, मैं रात को आराम से सो नहीं पाया हूँ यार। पता नहीं वो लड़की शेरी की गोली से बची भी है या यार। पता है मैंने रात से लेकर अब तक सारे न्यूज़पेपर्स और सारे चैनल्स खंगाल लिए हैं यार, लेकिन इस हादसे के बारे में कोई खबर कहीं भी नहीं छपी ना दिखी यार। लगता है पुलिस अपना काम खामोशी से कर रही है, और कभी भी पुलिस का पंजा हमारी गर्दन पे हो सकता है। यार शेरी, मैं तो लंदन की फ्लाइट बुक करा के निकल रहा हूँ भाई, तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकलो। नहीं यार, तुम लोग क्या हो, बुजदिल हो क्या? जी लंदन निकल रहा हूँ। बिली बता इसको, वो जो जीप थी उसकी नंबर प्लेट जाली थी। मैं पागल आदमी, मिनिस्टर का भांजा है वो, वही तो फायदा होना चाहिए ना हमें। अगर किसी ने नंबर प्लेट देख भी ली है तो वो हम तक पहुंच नहीं सकते, और अगर हम तक पहुंच भी गए तो वो हमें उठा नहीं सकते। हमें उठाना, खाला जी का घर नहीं है, शहर काम जाएगा, समझा? मरियम, ये प्रोफेसर तौकीर तो जो अभी गुजरी वहां से, और ये उस जंगली के फादर हैं। I can't believe it. Oh my God. तुम प्रोफेसर तौकीर को जानती जो इतना oh my God कर रही हो? भाई, he's one of the most famous psychiatrists of Pakistan. और एक यूनिवर्सिटी के डीन भी रह चुके हैं, और कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर भी हैं। और याद है मेरी कजन समीना, जिसका थीसिस हो रहा है यूके में, उसके भी मेंटोर हैं। He is amazing. लाखों में उनके सेशंस होते हैं। Are you serious? यार मुझे तो लग रहा है मैंने बहुत ज्यादा ही बदतमीजी कर दी है। फिर तुम मुझे उनका एड्रेस या नंबर निकलवा के दे सकती हो? हाँ, आई थिंक ये बेहतर होगा, सो दैट व्हेन ओह गॉड माय लव। Thank you.
लड़के, जमानत हो गई तेरी। आप यहाँ तशरीफ रखिए, मैं साहब को इतला करती हूँ। जी, थैंक यू। ये आर्यन की ग्रेजुएशन की फोटोग्राफ है। टॉप यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली है मेरे बेटे। That's impressive. Yeah, it seems so. Please come. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Up to you, please. Thank you. तशरीफ रखे, बैठिए। ऑटोमोबाइल्स का दीवाना है मेरा बेटा। किसी किस्म की कार के इंजन को खोल लेता है और चंद घंटों में बंद भी कर लेता है। He's an expert. लेकिन अपना काम नहीं करता, बस दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता है। ये तस्वीरें देखी तो I'm also surprised. खैर, मेरा यहाँ आने का मकसद, मैं आपसे अपोलोजाइज करना चाहती थी। आई एम वेरी सॉरी सर, मैंने अपनी कंप्लेन भी वापस ले ली और आई एम श्योर अब तक तो पुलिस आपके बेटे को मेल भी दे चुकी होगी। अरे शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। दरअसल डीआईजी साहब का फोन आ गया था, उन्होंने मुझे इत्तला दे दी थी, लेकिन आर्यन अभी तक घर नहीं आया। वो थाने से सीधा हॉस्पिटल जाएगा अपने दोस्तों के पास। वैसे भी घर से उसे कोई खास रफ्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आर्यन, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, इतनी जल्दी मरने नहीं वाली। That's like my tiger. फिक्र मत करो, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। बस कर दो, we don't need any further tension, right? यही तो मैं ऐसे कब से समझा रहा हूँ, लेकिन ये किसी की सुनता ही नहीं है। देखो आर्यन, मेरी बात सुनो, तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं जैसे ही ठीक होंगी हम वैसे ही रेसिंग ट्रैक पर जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रहने वाली। उसके लिए खाना पीना भी पड़ता है। क्या मंगाऊँ तुम्हारे लिए? प्लीज़ कुछ फीका ना हो बस। मैं कुछ बाहर से लेके आती हूँ। फिक्र थी मुझे तुम्हारी। मैं ठीक हूँ आर्यन, फिक्र नहीं करूँ।